हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ऐसी नेक डिज़ाइन बता रही हूँ जिसको आप अपने ब्लाउज़ या फिर ड्रेस या फिर टॉप तीनों में ही बनाकर उसको स्टाइलिश बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इस डिज़ाइन को ब्लाउज़ में बना रही हूँ। तो अगर आप भी ब्लाउज़ में बना रहे हैं तो ब्लाउज़ को हाई नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, और यहाँ पर हाई नेक के अकॉर्डिंग के साथ साथ बैक साइड में हुक बनानी होगी। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच और आर्म होल लिया है 7.5 इंच। तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक विड्थ लेना है 3 इंच का और लेंथ लेना है 4 इंच का। यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। तो ये होगा हमारा फ्रंट साइड का डिज़ाइन। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर 1 इंच ऊपर से सिंपल गुलाई वाला शेप में इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर इसको फैला कर रखेंगे और यहाँ पर चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर अस्तर को रखनी है और सिलाई लगानी है। देन बैक पार्ट लेना है और यहाँ पर भी आई हुक वाली लाइन छोड़कर, मार्जिन छोड़कर नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है 3 इंच नेक विड्थ जितना हमने फ्रंट में लिया है। और लेंथ को आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 9.5 इंच नेक विड्थ रख रही हूँ, 10 इंच मैंने लेंथ रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर मैंने वी शेप ड्रॉ किया है। आप ऐसे सीधा वी शेप बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा गुलाई में भी वी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद बैक साइड में भी इस डिज़ाइन को कट कर लेना है और यहाँ पर बैक साइड में मैं थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन बनाऊंगी फ्रंट से मैच करके। तो पहले तो बैक साइड को इस तरह से मैन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे। पहले मैंने फ्रंट साइड को अस्तर के साथ ज्वाइन कर लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करके रखना है, देन लेना है पेस्टिंग और पेस्टिंग को फोल्ड करके इस तरह से नीचे रखना है। देन इसकी नेक ड्रॉ कर लेनी है, पेस्टिंग के ऊपर बराबर रखते हुए ड्रॉ कर लेनी है। देन साइड में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से ड्राइंग करनी है और ऊपर और नीचे दोनों जगह पर लाइन के ऊपर से कट कर देना है। इसे एक फैब्रिक के ऊपर रख के प्रेस ब्रश लगा लेना है। तो इसके बाद एक पट्टी लेना है, स्ट्रेट पट्टी। तो यहाँ पर ये मैंने कटिंग किया है फैब्रिक के अकॉर्डिंग और इसकी चौड़ाई आपको 2 इंच लेना है। लंबाई ज़्यादा लेना है क्योंकि इसमें हम फ्रिल बनाएंगे। एक साइड थोड़ा सा बारीक फोल्ड करके इस तरीके से रेडी करनी है। सिर्फ एक साइड में ही ये फोल्ड लगानी है। तो यहाँ पर आप फुट का भी यूज़ कर सकते हैं, फुट चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। इसके बाद फ्रिल बनानी होगी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल फ्रिल नहीं बनाना है। इस तरीके से हाथ से भी आप कपड़े को जो है अंदर की तरफ दबाकर फ्रिल बना सकते हैं। इसमें फ्रिल का लुक थोड़ा सा डिफरेंट आता है। एक फुट मिलता है जिससे ये वाला फ्रिल तैयार होता है, लेकिन आप इसको हाथ से भी ऐसे बना सकते हैं। इस तरीके से ये रेडी होगा और स्ट्रेट पट्टी लेंगे फिर भी ये गुलाई में शेप में आ जाएगा इस तरीके से फ्रिल बनाने से। देन इसकी सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरह से और सेंटर की दोनों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। इस तरीके से तीनों निशान बनानी है। देन जो हमने फ्रिल बनाए हैं उसे लेना है और फ्रिल वाली पट्टी को उल्टा करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो मेन फैब्रिक है उसमें डिज़ाइन है, तो इसलिए फ्रिल वाली पट्टी को उल्टा करके रखनी है और यहाँ से लगाना है सिलाई। तो ऊपर से सिलाई लगाएंगे, लेकिन जो 1 इंच का निशान है वहाँ पर फ्रिल वाली पट्टी को बाहर की तरफ निकाल कर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिए, बाहर से निकाल कर यहाँ पर सिलाई लगानी है, देन कट कर देना है। देन दूसरी तरफ जो 1 इंच छोड़कर जो निशान है, सेंटर को छोड़कर दोनों फ्रिल को लगानी है। जो 1-1 इंच दोनों तरफ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पर, तो इस तरीके से धीरे धीरे फ्रिल को अच्छे से रखना है और अटैच करना है। आप लोग चाहे तो नॉर्मल फ्रिल भी बना सकते हैं, लेकिन इससे लुक थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो इस तरीके से इसे रेडी करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर फ्रिल होगा तो इसे कट कर देना है और इस तरीके से सेंटर को छोड़कर इसे रेडी करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पर फ्रिल को इस तरीके से रेडी करनी है। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा और पट्टी लेना है और ये भी स्ट्रेट पट्टी लेना है। इसकी चौड़ाई आप 1 से 1.5 इंच में लीजिए और इससे इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करके हमें बनानी है डोरी। आप लोग चाहे तो यहाँ पर डोरी फोल्ड करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी बना सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट लुक आएगा नेकलाइन पर। तो इस तरीके से इस डोरी को फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए, तो नॉर्मल जैसे डोरी का लेंथ होता है उसी लेंथ में इसको भी ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा लंबा भी ले सकते हैं। तो मैंने दोनों अलग अलग पार्ट में इसको कट कर लिया है।
अब यहाँ पर जो 1 इंच का लाइन है बिल्कुल सेंटर से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, डोरी को अटैच करेंगे कपड़े के साथ और यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि डोरी अच्छे से यहाँ पर अच्छे से अटैच हो जाए। अब दूसरी साइड पे दूसरी डोरी रखेंगे, सेंटर पे भी रखें सिलाई लगाएंगे और 1 इंच दूरी पर जो लाइन है वहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। देन जो पेस्टिंग वाला पैटर्न हमने रेडी किया था उसे प्रेस कर लिया है कपड़े के ऊपर और उसे सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर पोना 1 इंच पर निशान लगाना है और नीचे मिला देना है। दूसरी तरफ सेम करना है, पोना 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और नीचे मिलाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे तक नहीं मिलाना है, जो पेस्टिंग है नीचे की तरफ उसके 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और वहाँ तक ऊपर को मिलाना है, क्योंकि बिल्कुल नीचे तक मिलाएंगे तो ये प्रॉपर रेडी नहीं होगा। यहाँ पर इस तरीके से रेडी करना है, देन नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे प्रेस कर लेंगे ऊपर की तरफ और अब हम इसको मेन फैब्रिक की जो नेकलाइन है वहाँ पर रखेंगे बिल्कुल मिलाकर, और यहाँ पर एक एक पिन लगा लेना है, सेंटर को ज़रूर मिलाकर रखिए। तो इस तरीके से पिन लगा लेंगे और जब सिलाई लगाएंगे तो एक एक पिन को खोलकर सिलाई लगाएंगे तो प्रॉपर रेडी होगा एकदम फिनिशिंग के साथ और सेंटर भी बिल्कुल सही से रहेगा। इस तरीके से सिलाई लगाना है और ये जो हमने लाइन बनाए हैं इसमें भी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल पेन का जो निशान है उस निशान के ऊपर से, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से सिलाई लगाना है, नीचे फ्रिल भी सही से रहे वो चेक करते जाना है, पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा पैटर्न को कट कर देना है, छोटे छोटे कट लगाएंगे यहाँ पर भी, देन इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे, ऊपर से प्रेस भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये नेकलाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ब्लाउज़ में बना रहे हैं तो ब्लाउज़ को आप प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं और वन टक्स में किसी भी पैटर्न में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा स्टिचिंग के वीडियोस बहुत पसंद आते थे तो इसीलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है और ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स भी मैंने इस कोर्स पर शेयर किया है। इसके अलावा स्विंग मशीन के बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा, मशीन को कैसे यूज़ करनी है और मशीन के कौन कौन से टूल्स आपको अपने पास रखनी चाहिए वो सब कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है स्पेशली उनके लिए ये कोर्स है, जहाँ पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बेसिक से एडवांस तक सिखाया है। तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफ़र चल रहा है कि सिर्फ 499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। सो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए अभी और इस कोर्स को सिर्फ 499 में परचेस कर लीजिए। देन सेम फ्रिल मैंने बैक साइड में भी लगाई है, इस तरीके से मैंने फ्रंट से मैच करके बैक साइड को रेडी किया है और इसको मैंने अस्तर से भी बना लिया है, पेस्टिंग मैंने यूज़ नहीं किया है, जस्ट इसको फोल्ड करके फ्रिल बाहर की तरफ आ जाएगा और इस तरीके से मैंने रेडी किया है। आप बैक साइड में किसी और डिज़ाइन में बना सकते हैं अगर आप ब्लाउज़ में बना रहे हैं तो इसी तरीके से मैंने बैक साइड को वी शेप है लेकिन उसके ऊपर से वो ये वाला फ्रिल आएगा, तो इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइनर बनाई है बैक और फ्रंट साइड से। तो ये इस तरीके से रेडी है। अब यहाँ पर शोल्डर जॉइन कर लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से डबल डबल सिलाई लगाकर शोल्डर जॉइन करनी होगी। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, इंस्टा पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।